आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ भाई सबसे सस्ता और सबसे अच्छा वैक्यूम क्लीनर। मतलब इसमें आपको कितनी ज़बरदस्त सक्शन पावर मिलती है ये सब मैं आपको दिखाऊंगा, और क्या क्या आपको इसमें देखने के लिए मिलता है वो सारी चीज़ें। बाकी कार के यार भाई मैं जितनी बार इस कार को देखता हूँ ना एकदम मतलब इसकी ऐसा लगता है थोड़ी सी तारीफ़ करनी चाहिए। तो अभी मैं इसकी थोड़ी सी तारीफ़ करता हूँ। मुझे लगता है भाई मेरा सबसे बेस्ट डिसीज़न था कि हमने इलीट i20 ली, क्योंकि इसका जो अगर हम आज वाली i20 लेते ना तो मेरे को कहीं ना कहीं रिग्रेट होता कि भाई मैंने क्या ले लिया। बाकी हाल फिलहाल में सबसे बेहतरीन लुक आपको मतलब इसी i20 का देखने के लिए मिलता है। बाकी आप मेरे को बताना आपको आज वाली ज़्यादा पसंद है या ये वाली ज़्यादा पसंद है। तो ये तो सब एक हो गई बकचोदी वाली बात। तो भाई ये है हमारा RNG 2002 सबसे बेस्ट वैक्यूम क्लीनर मेरे को लगता है। और ऐसा नहीं है कि ये वीडियो एकदम स्पॉन्सर्ड, हाँ ये वीडियो भाई बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। इन सालों ने एक भी मेरे को पैसा वैसा कुछ भी नहीं दिया। आप ये सोचो इन्होंने पैसा दिया है, नहीं वो सब नहीं है। क्योंकि ये इसका भाई मतलब लिटरली दिल से बोल रहा हूँ कि इसका जो सक्शन पावर है ना 2000 रुपये के अंदर आपको इससे ज़्यादा सक्शन पावर वाला कोई भी वैक्यूम क्लीनर नहीं मिलेगा। इसमें आपको 6.5 kPa की पावर मिलती है, जो कि आपको वैसे तो हो सकता है नॉर्मल लगे, वैसे आप सोचो भाई सारे ऐसे कर लेते हैं काम, लेकिन जब आप एक्सटेंशन यूज़ करते हैं ना इसके अंदर, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ जैसे क्या क्या मिलता है, फिर मैं आपको मतलब इसका एक्सटेंशन दिखाता हूँ। तो देखो भाई ये तो सिंपल सा कवर हो गया, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी, मतलब सिंपल है यार। जैसे हमें कौन से लड़ाई वड़ाई लड़नी है या कुछ ऐसे फायर प्रूफ रूफ चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई सिंपल सा ये वैक्यूम क्लीनर है, आप देख सकते हैं। और इसका लुक भी काफ़ी ज़्यादा हैंडी है, थोड़ा सा बड़ा है, छोटे हाथों में बड़ी बड़ी चीज़ें पता मतलब अच्छी लगती हैं। तो ये और ऐसे इसमें एक्सटेंशन है, इस एक्सटेंशन की बात कर रहा था। तो जब आप इन दोनों को लगा देते हैं ना तो भाई इसकी सक्शन पावर फिर भी काफ़ी अच्छे से काम करती है, क्योंकि एक्सटेंशन काफ़ी ज़्यादा आपकी जो पावर है वो कम कर देता है। और इसमें आपको दो एक्सटेंशन और देखने के लिए मिलते हैं इस टाइप से। एक तो ये जैसे नीचे जो जाली वाली होती है ना उसे सब साफ़ करने के लिए, जो नीचे मैश बिछी हुई होती है, फ्लोर होता है जो कार का, उसे साफ़ करने के लिए आपको मिल जाता है। आसानी से आप रगड़ रगड़ के साफ़ कर सकते हैं। बाकी छोटी मोटी जगहों में ये घुसेड़ के भी सारी चीज़ें निकाल लेता है। तो और ज़्यादा लंबी चीज़ चाहिए तो भाई आप इसे भी घुसेड़ करके निकाल सकते हो, इससे भी मतलब यूज़ कर सकते हो इसे भी। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो कोई भी दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। बाकी अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका सक्शन पावर और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपको करना है कार को स्टार्ट, बैटरी पे चलाओगे तो हो सकता है आपकी बैटरी ड्रेन हो जाए, और मेरी समझ से होगी ही ड्रेन, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा पावरफुल मशीन अगर आप चलाते हो डायरेक्ट बैटरी से तो वो ड्रेन होनी है, जाहिर सी बात है। और भाई जो कंप्लीट कार का प्रोसेस है, अगर आपके पास i20 बलिनो स्विफ्ट वगैरह है तो आधा घंटा या 20 मिनट तो आपको लग जाते हैं अच्छे से साफ़ करने में, तो आप ये भी चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी कार को हम करते हैं स्टार्ट, और इसका जो एक्सटेंशन है ये आपका लगेगा 180 वाले वॉट में, या कुछ कारों में 120 भी आता है, 160 पता नहीं आता ही नहीं आता, लेकिन 180 वाले वॉट में ये लगेगा। ऐसे डायरेक्ट घुसेड़ दिया जाएगा इसी को पकड़ करके। तो कार में तो हमने इसे अटैच कर लिया है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ इससे क्लीन करके कि ये कितनी ज़्यादा मोटी मोटी बजरियाँ भी अपने अंदर खींच लेता है। और उसके लिए मैं बता दूँ ये बिल्कुल हार्ड है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी से कुछ गंदे मतलब जो बजरी और बजरफुट वगैरह मैंने भर दिया है ताकि इसका फ़िल्टर और गंदा हो जाए, जिससे आपको एकदम आइडिया मिल जाए कि अगर ये गंदा भी होता है अंदर से इसका फ़िल्टर तो कैसे ये सक करता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सब कुछ इसने साफ़ कर दिया है। और अब मैं आपको इसे खोल करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको इसे ओपन करना है। तो सबसे पहले आपको ये बटन दबाना है, और इस तरह से जब आप दबाएंगे तो ये ऐसे बाहर आ जाएगा, और यहाँ अंदर से आपको फ़िल्टर का जो होल्डर है वो बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, और थोड़ी बहुत गंदगी तो आपके यहाँ निकल आएगी जो मोटी मोटी होती है, जो फ़िल्टर से नहीं चिपकती है। बाकी आप इस तरह से साफ वाफ भी कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी वगैरह है तो आपका ये काफ़ी ड्यूरेबल रहने वाला है। बाकी ये जो फ़िल्टर है, अब हम फ़िल्टर को दिखाते हैं कैसे ओपन करना है। तो आपको हल्का सा ट्विस्ट करना पड़ेगा बीच में इसे पकड़ करके, तो आप जैसे ही इसे घुमाते हैं उल्टी तरफ से तो आप देख सकते हैं ऐसे करके निकलता है, और फ़िल्टर कितना ज़्यादा गंदा है इस तरह से साफ कर सकते हैं। और ये हेपा फ़िल्टर है, मेटल का आता है, तो आप इसे धो भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, है ना। और ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, मतलब ऐसा लगता है स्टील टाइप का, काफ़ी ज़्यादा मजबूत मेटल ही लगता है यार मेरे को तो, ये कोई ऐसा फाइबर या कपड़ा उपड़ा नहीं, मेटल का आपको फ़िल्टर देखने के लिए मिलता है। और दोबारा इसे आपको इस तरह से लगा देना है, लगाने के बाद ये फिक्स हो जाएगा और फिर से आपकी क्लीन करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं आसानी से लग जाता है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बट ध्यान रखना है कि आपको इसे सीधा ही लगाना है, नहीं तो नीचे वाला जो वो है वो इसमें नहीं फंसेगा। और बस ये अब लग चुका है, बाकी आपको इसका आइडिया मिल गया होगा। और अब मैं आपको दो तीन चीज़ें और दिखा देता हूँ कि इसके जो अटैचमेंट है वो ये इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ये आप खुद से देख लीजिएगा, क्योंकि भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक दो मैंने आपको लगा करके दिखा देता हूँ कि इस वाले को ऐसे लगाते हैं,
और ये इस तरह से सक्शन करता है। आप यहाँ देख सकते हैं कैसे धूल मिट्टी एकदम साफ करते हुए चला जाता है, एकदम मस्त क्लीन करके। इसके अलावा आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे चेंज भी कर सकते हैं और ये वाला लगा करके भी अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो बाकी जो मेरा सबसे ज़्यादा यूज़ है वो इन्हीं दो एक्सटेंशन का है, लंबे वाले का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। इससे आप इस तरह से अच्छी फिनिशिंग भी दे सकते हैं। सो फाइनली कंप्लीट गाड़ी जो हमारी है लगभग आधे घंटे 20-30 मिनट में साफ़ हो गई पूरी। और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप कंप्लीट अपना लुक गाड़ी का ले सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं भाई प्रॉपर क्लीन हो गई है और अब बस मुझे करना है वो है इसकी पॉलिश और कंडीशनिंग। तो उसके लिए मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा कि कौन से जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और एकदम कम पैसों में, क्योंकि भाई अपन गरीब हैं और सस्ते में काम चलाना चाहते हैं, सस्ता और अच्छा। तो मैं आपको एक बढ़िया प्रोडक्ट सजेस्ट करूंगा अगली वीडियो में, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इसका अगर जो प्राइस की बात है वो मैं बता चुका हूँ, 2000 रुपये के आसपास है। मॉडल का नाम भी आपको बता चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं प्रोडक्ट के लिए। बाकी आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न या कहीं से भी सजेस्ट कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं। और इस टाइप का आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद फाइनली क्लीन हो चुका है। और अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।